नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हो जिनसो टीवी। और आज एक नया अपडेट आया है, आज नहीं वैसे कल आया था, वीडियो बनाने में एक दिन का देरी हो गई उसके लिए सॉरी। तो एक स्प्रिंग अपडेट आया है इन गेम इकोनॉमी चेंजेस, गेम का कुछ इकोनॉमी चेंज करेगा, बहुत बड़ा अपग्रेड है। तो बहुत बड़ा अपडेट है एक्चुअली, इसीलिए ये पूरा डिटेल्स मैं इस वीडियो में नहीं पढ़ूंगा। आपको अगर देखना है, जानना है, तो इस जो फोरम का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से दे दूंगा, आप वहाँ से क्लिक करना है, ठीक है। स्प्रिंग अपडेट 2019 इस नाम का एक लिंक आएगा नीचे, उस लिंक को क्लिक कीजिएगा, फोरम में जो डिटेल्स है वो पूरा आप देख सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। वैसे स्टार्टअप में बिल्डिंग अपग्रेड टाइम्स आप देख सकते हो, मतलब लगभग सभी चीज़ों का अपग्रेड टाइम डिक्रीज किया गया है, ठीक है। आप देख सकते हो आर्मी कैंप, ठीक है, वोल्ट क्या था और आप क्या है, लेवल 5 से लेवल 9 तक चेंजेस हुए हैं। टाउन हॉल लेवल 4 से 10 तक चेंजेस हुए हैं। इलेक्जर पम्प लेवल 7 से लेवल 13 तक चेंजेस हुए हैं। इलेक्जर स्टोरेज लेवल 10 से 13। गोल्ड माइन लेवल 7 से लेवल 13 और गोल्ड स्टोरेज लेवल 10 से लेवल 13 तक चेंजेस किए गए हैं। बैराक्स लेवल 2 से लेवल 13 तक पूरा चेंजेस किया गया है अपग्रेड टाइम। अब आते हैं लेबोरेटरी, लेबोरेटरी का जो अपग्रेड टाइम है, ट्रूप्स अपग्रेड टाइम नहीं, रिसर्चिंग टाइम नहीं, लेबोरेटरी का अपग्रेड टाइम जो है वो लेवल 1 से लेवल 8 तक बहुत डिक्रीज किया गया है। आप देख सकते हो लेवल 1 में 30 मिनट लगता था लेबोरेटरी, अब 1 मिनट लगेंगे। ये अपडेट हालांकि अभी तक पब्लिकली आया नहीं, मतलब अपडेट हुआ नहीं अभी तक, लेकिन ये शायद स्प्रिंग में जल्दी अपडेट आएंगे इसका। कैनन, ठीक है, ये कैनन लेवल 7 से लेवल 16 तक चेंजेस होंगे। आप देख सकते हो आर्चर टावर, ये भी लेवल 6 से लेवल 16 तक चेंज होंगे। विजार्ड टावर लेवल 1 से लेवल 9 तक पूरा चेंजेस हो जाएगा। एआर डिफेंस लेवल 3 से लेवल 7 तक चेंजेस होंगे। मोर्टार लेवल 1 का ही चेंज होगा, जो पहले 5 घंटा लगता था वो 3 घंटे में डिक्रीज किया गया है। क्लैन कैसल लेवल 2 से लेवल 6 तक। हिडन टेस्ला, स्पेल फैक्ट्री, एक्सबो, सभी में कुछ ना कुछ चेंजेस आए हैं, ठीक है, सभी लेवल पे नहीं, आप देख सकते हो एक्सबो लेवल 1 से लेवल 2 तक चेंजेस हुए हैं। डार्क इलेक्जर ड्रिल, डार्क इलेक्जर स्टोरेज, डार्क इलेक्जर बैराक, सब में चेंजेस हुए हैं। एयर स्वीपर लेवल 1 से लेवल 6 तक डिक्रीज किए गए हैं। डार्क स्पेल फैक्ट्री, बॉम्ब टावर, ये सब के सब चेंजेस किए गए हैं, सारे के सारे लेवल पे नहीं, लेकिन कुछ कुछ लेवल को छोड़ के लगभग सभी जो लेवल्स हैं उसमें जो बिल्डिंग टाइम्स है इसको डिक्रीज किया गया है। तो चलते हैं थोड़ा नीचे, बिल्डिंग अपग्रेड कॉस्ट, ये आप देख सकते हो आर्मी कैंप में, आर्मी कैंप बनाने में कितना खर्चा आता था और अब कितना आ रहा है। लेवल 8 से लेवल 3 लेवल 8 से लेवल 9 तक, लेवल 8 से लेवल 9 तक डिक्रीज किया गया है, ये अच्छी बात है, ये अच्छी चीज़ें हैं। इलेक्जा स्टोरेज लेवल 12 से लेवल 13 तक, गोल्ड स्टोरेज लेवल 12 से लेवल 13 तक, चलो बैराक्स लेवल 9 से लेवल 12 तक, सभी के सभी कॉस्ट डिक्रीज किए गए हैं। लेबोरेटरी लेवल 7 से 8, कैनन लेवल 10 से 16, अर्चर टावर लेवल 10 से 16, विजार्ड टावर लेवल 7 से 9, या डिफेंस लेवल 7 से 10, क्लैन कैसल लेवल 6 और 7, बॉम्ब टावर 1 से लेवल 6, हिडन टेस्ला लेवल 1 से लेवल 9, एक्सबो लेवल 1 से लेवल 5, सब में डिक्रीज किए गए हैं। नीचे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप ओके, इन्फर्नो टावर का भी जो खर्चे हैं वो डिक्रीज किए गए हैं। ये जो पूरा अपडेट्स हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक है, उसको जाके फॉलो कीजिए, आप थोड़ा में इसी पेज में आ जाएंगे, आप आराम से पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि मैं पूरा बोलने जाऊँगा तो ये वीडियो ख़त्म होना मतलब बहुत मुश्किल। ऐसे COC से जुड़े तगड़े तगड़े खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, दोस्तों में शेयर करके रखो और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दो। तो क्या ये अपडेट ख़त्म हुआ? नहीं, और भी है, नीचे चलते हैं। लेबोरेटरी अपग्रेड टाइम्स, ठीक है, लेबोरेटरी में जो रिसर्च टाइम होते हैं बार्बेरियन का, आर्चर का, इन सभी का कुछ ना कुछ लेवल में रिसर्च टाइम कम कर दिया गया है। जैसे आप देख सकते हो बार्बेरियन, आर्चर, जायंट, गॉब्लिन, वॉल ब्रेकर, बेलोन, विजार्ड, हीलर, ड्रैगन, पेका, बेबी ड्रैगन, माइनर को छोड़ दिया है इन लोगों ने, इलेक्ट्रो ड्रैगन को भी छोड़ दिया है, लाइटिंग स्पेल, हिल स्पेल, जम्प स्पेल, रेस स्पेल, मिनियन, ऑगराइडर, वॉलकारी, विच, बोलर, इन सभी में रिसर्च टाइम कम कर दिया गया है। और ट्रूप अपग्रेड कॉस्ट जो है वो विच का थोड़ा कम किया गया है, लेवल 2 से लेवल 3 अपग्रेड करने में पहले लगता था 1,60,000, अब लगेंगे 1,20,000। लेवल 3 से लेवल 4 करने में 2 लाख का लगता था, अब 1,60,000 लगेंगे। रिड्यूस बॉलर अपग्रेड कॉस्ट, बॉलर का भी अपग्रेड कॉस्ट कम किया गया है, लेवल 2 से लेवल 3 तक पहले 2 लाख लगता था, अब 1,60,000 लगेंगे। तो ये था कुछ अपडेट्स, और भी है नीचे, ट्रूप्स ट्रेनिंग कॉस्ट, ठीक है, ट्रेनिंग कॉस्ट में कितना क्या क्या था पहले और आप क्या हैं, ये साइड में देख सकते हो। बार्बेरियन का चेंजेस सबसे ज़्यादा हुआ है, वॉल ब्रेकर का चेंजेस सबसे ज़्यादा हुआ है, 40% डिक्रीज किया गया है।
और बेलून देख सकते हो, विजार्ड देख सकते हो, हीलर देख सकते हो। हीलर के ज़्यादा चेंजेस हुआ नहीं, ड्रैगन्स देख सकते हो, स्पीका, मिनियन, सब कुछ का जो अपडेट्स है वो डिक्रीज किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये इस वीडियो को और लंबा ना करते हुए मैं ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे देता हूँ, आप जाके ज़रूर पढ़ लेना। वीडियो पसंद आया तो फिर से लाइक करो दोस्तों, में शेयर करो, सब्सक्राइब करके रखो ऐसे जानकारी के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।